नोबिता की मासियन सच में होते हैं। ये बस एक कोइंसिडेंस है, ये राहुल का असली सबूत। पत्थर की फोटो वापस ली गई थी। एक किसान के चेहरे की तरह नहीं लग रहा तुम्हें? सही कहा, ये फोटो शायद किसी की परछाई की वजह से चेहरे की तरह दिख रहा होगा। तो ये साबित हो गया मार्शियंस नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो होते हैं। ये देखो, इस बुक में भी लिखा हुआ है। अरे ये क्या है? ये सब झूठ है। इंसान तो क्या मार्स पर एक चींटी भी नहीं हो सकी है। तुम्हें इतना भी नहीं पता है सुनियो, मार्स पर आज तक कोई भी नहीं गया है। तो क्या तुम दोनों सच में वहाँ जाकर देखना चाहोगे? क्या तुम ऐसा कर सकते रिमोट? बिल्कुल। वाह बहुत अच्छा। ठीक है, हम सब अभी के अभी मार्स पर चलते हैं। ठीक है, तो एनीवे डोर इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हम मार्स पर जा रहे हैं तो क्यों ना इसे और भी मजेदार बनाएं? सही कह रहे हो तुम। तो फिर ये गैजेट फ्यूचर के बच्चों के लिए जो स्पेस में मजे के लिए जाना चाहते हैं। सबसे पहले स्पेस पिकनिक रॉकेट। इस छोटे से रॉकेट से कोई मार्स पर कैसे जाएगा? हो जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। देखो हम मार्स पहुंच गए हैं।
होती है तो यहाँ का टेम्परेचर लगभग -43 डिग्री तक होता है। क्या कहा -43 डिग्री? लेकिन जब हम अडाप्टेशन लाइट का इस्तेमाल करते हैं ये स्पेस सूट की तरह काम करता है। अरे वाह, मैं आज का सबसे पहला इंसान मार्स पर पैर रखा। अरे यहाँ तो सब कुछ बहुत सॉफ्ट है। हाँ, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से 3 गुना कम है। वो पहाड़ कितना बड़ा है? ये माउंट ओलंपस है। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ा है। प्लैनेट एक्सप्लोरेशन कार। तो चलो चलते हैं। ठीक है। मुझे लगता है मार्स पूरा पत्थर और मिट्टी से ही भरा हुआ है। लेकिन मैंने सुना था कि यहाँ पर भी बहुत सारा पानी होता है। मैंने भी सुना था कि 2 अरब साल पहले यहाँ बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। देखा, शायद उस वक्त यहाँ मार्शियंस हुआ करते थे। हो सकता है वो यही कहीं होंगे। खैर, अब मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। ठीक है, चलो ब्रेक लेते हैं। बिना ऑक्सीजन के बनाने वाला मार्स का खाना अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है। यहाँ पर ये आया तो और सही है। ये लो तुम्हारे लिए शीतला। सुनियो, ये तुमने क्यों लिया? नहीं तो नहीं। सुनियो ने नहीं लिया तो फिर किसने लिया? वहाँ कुछ तो अजीब चीज पड़ी हुई है। ये आखिर है क्या? शायद मार्स बोट है। देखा, मैंने कहा था ना मार्शियंस होते हैं। तुम गलत हो नोबिता, ये एक सैटेलाइट है जो अर्थ से आई है। अरे नहीं। लेकिन लगता है अब ये काम करने की कंडीशन में नहीं है। तुम इतनी दूर यहाँ अर्थ से आए हो और इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे। तो अब चलो हम वापस चलते हैं। क्या मुझे टॉवल मिल सकता है? शुक्रिया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। ये क्या कह रहे हो? मुझे मार्शियंस यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुमने गलती से शायद कुछ और देख लिया होगा। नहीं नहीं, वो सच में यहीं पर थे, मेरा विश्वास करो। ये हवा। अरे वो क्या है? अरे नहीं, ये तो रेत का तूफान है। रेत का तूफान? मार्स में ऐसा होता रहता है और ये इतना ताकतवर है कि पूरे प्लैनेट को रेत से ढक लेता है। कोई इस खासियत से खुश नहीं होगा। चलो गाड़ी में चलो। खत्म होने का इंतजार करते हैं। अरे जी आन और सोनियो कहाँ है? अरे नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। और सुनियों को ढूंढते हैं। जियान का जूता। लेकिन जियान अपना एक जूता छोड़ के कहाँ जा सकता है? वो देखो वहाँ पर। अरे वाह, ये फिर से चल रहा है। अरे हाँ, उस मार्स की सैटेलाइट ने जरूर कुछ रिकॉर्ड किया होगा। इसमें जो भी फोटोज क्लिक किए होंगे मैं उन्हें चेक करता हूँ। जियान और सुनियो, ये किसकी परछाई है? देखा डोरेमोन, मैंने कहा था ना मार्शियंस सच में होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब सच होगा।
थोड़ा अजीब है, अंदर देखते हैं। ये तो कितनी बड़ी गुफा है, हमें साथ रहकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी होगी। सुनो जी, और कहा हो? सुनियो कहा हो? अगर तुम यहाँ आओ तो जवाब दो कि तुम यहाँ आओ। गायब हो गई है, शायद वो मार्शियंस से चले गए होंगे। नोबिता प्लीज ऐसा मत करो, मुझे खुद को दी हो रही है, मत करो। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं रहा। जरूर मिल जाएंगे। सही कहा तुमने, हम आ गए।